नमस्कार जय माता की एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अशोक म्यूजिकल्स पर आइए मैं आपको आज एक विशेष जानकारी देने वाला हूँ मैंने हारमोनियम की वीडियो तो बहुत डाल रखी हैं अशोक म्यूजिकल्स पर लेकिन टेक्निकल जो जानकारियां हैं हारमोनियम के जो बहुत ही बारीक जो रहस्य हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे काफ़ी दर्शक हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं उन्होंने हमसे ये अनुरोध किया था कि आप हारमोनियम की टेक्निकल जानकारी दीजिए क्योंकि यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल के बारे में बताने वाले लोग नाम मात्र बहुत कम हैं और किसको कितनी जानकारी है कौन कितना गुनी है इस टेक्निकल लाइन में वो तो आप लोग ही बता पाएंगे ये जज करना हमारा काम नहीं हमारा काम है बताना आपको जो गुणी लोग हैं जिनसे हमें सीखने को मिला है तो हम चाहते हैं कि लोग इस भेद को छिपाते रहते हैं कि टेक्निकल जानकारी नहीं दी जाए हारमोनियम की वीडियो बजा बजा करके या भजनों की वीडियो गाने फिल्मी गानों की वीडियो बहुत मिल जाएंगी आपको यूट्यूब चैनल पर लेकिन हारमोनियम की जो बारीकियां हैं उनके रहस्य जो है टेक्निकल जानकारी आपको देने वाला यूट्यूब पर बहुत कम लोग मिलेंगे तो आइए हमने जो है हमारे पास किसी का फ़ोन भी आया था कि आप ये बताइए कि ये जो है हारमोनीय की ट्यूनिंग हम खुद कैसे चेक करें तो सबसे पहले हम आपको आज ये बताना चाहेंगे कि हारमोनियम की ट्यून आप खुद चेक कर सकते हैं और उसके लिए आपको मीटर चाहिए होगा क्योंकि बिना मीटर के आप ट्यूनिंग चेक नहीं कर पाएंगे और बिना मीटर के ट्यूनिंग वही चेक कर सकते हैं जिनको ट्यूनिंग करना आता है ट्यूनिंग की समझदारी है हम आपको बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत ही कम समय में आपको बताएंगे कि हारमोनियम की ट्यूनिंग कैसे चेक करें देखिए जैसे कि हमने अपने हारमोनियम पर ये स्टिकर लगा रखे हैं और ये स्टिकर वो हैं जो बाहर जो लिखा हुआ वो ही अंदर है अंदर जो सुर बोलती है जैसे ये हमने सी सार का स्टिकर लगा रखा है ये सी का लगा रखा है तो उसी हिसाब से सी सी सार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी सार्प ए ए सार बी ये जो है यही जो स्वर अंदर लगे रहते हैं उन सुर के अंदर भी यही मोहर लगी रहती है यानी स्टैंप लगी रहती है इसके अंदर तो जब तक आपको ये स्वर याद नहीं होंगे बाहर के तब तक आप अंदर ये नहीं देख सकते कि कौन सुर हमारा ख़राब है और किसको हमने कैसे ठीक करना है ये बात की बात है सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कि हारमोनियम की ट्यूनिंग चेक कैसे करें कि हमारा हारमोनियम ट्यून है या नहीं इसके लिए आपको एक ट्यूनर की ज़रूरत होगी अब ट्यूनर हर किसी के पास नहीं होता लेकिन आजकल आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन सभी के पास में है तो एंड्रॉयड फ़ोन पर आप कोई भी ट्यूनिंग चेक करने की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और उसमें आप चेक कर सकते हैं देखिए हम आपको एक हारमोनियम चेक करने की एक एप्लीकेशन है उसको हमने डाउनलोड किया है ये हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं ये फाइन वाइज ट्यूनर करके है एक और ये जो ऐप है ठीक है ऐप तो बहुत है अब देखिए जो हम बोल रहे हैं ये मीटर अपने आप बता रहा है कि हमारी आवाज़ किस नोट पर जा रही है जो स्वर हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर रखे हैं लिख रखे हैं ये सी सी सार्प डी डी सार्प जो भी है वो इस पर सारे आ रहे हैं अगर हम को जो स्वर दबाएंगे वो ही ये बताएगा देखिए हमने सी नोट दबाया है अब देखिए ये हमने बी दबाया तो बी बता रहा है ये सार्फ दबाया ये सार्फ बता रहा है लेकिन हम बोल भी रहे हैं साथ साथ इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं बता बगैर बोले हम आपको एक बार सो दबा के दिखाते हैं अब ये जो हारमोनियम है ये कुछ बेस रहा है कुछ का मतलब ये थोड़ा सा प्लस में जा रहा है प्लस मतलब राइट हैंड पे ये देख ये प्लस फिफ्टी लिखा है और ये माइनस फिफ्टी सेंट लिखा हुआ है ये जो ट्यूनिंग है ये फोर फोर्टी ट्यूनिंग हमने इस हारमोनियम की कर रखी है फोर फोर्टी यानी चार सौ चालीस एच जेड जिसको हॉर्स बोलते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी आज के समय में फ्रिक्वेंसी चाहे आप टी वी चलाइए या आप रेडियो चलाइए या टी वी के जितने भी चैनल्स हैं सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है सबके टावर अलग अलग है जैसे हमारे जो मोबाइल होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी होती है टावर पर वो हमारे मोबाइल को कैच करती है उसी प्रकार ये सुरों के लिए फ्रिक्वेंसी है चार सौ चालीस यानी फोर फोर्टी हॉट्स एच जेड तो ये जो है लेकिन ये जो मीटर है जो मोबाइल में ये मीटर एग्जैक्ट आपको स्वर बताएगा नहीं अगर आप मीटर में यहाँ देख लेंगे लेकिन यहाँ पर जो लिखा आ रहा है ना अब देखिए आप मैं आपको ये दिखा रहा हूँ देखिए सी नोट सी नोट की फ्रिक्वेंसी जो ये ऑरेंज जो कलर है यहाँ पर मीटर रुकना चाहिए इसका मतलब ये 440 से थोड़ा चढ़ा हुआ है अब देखिए मीटर क्या बता रहा है यहां पर 131.9 थर्टी पॉइंट इसलिए एंड्रॉयड फोन के जितने भी मीटर हैं फेल हैं हारमोनियम के लिए वो और किसके लिए कामयाब है मैं उसके विषय में बिल्कुल बात नहीं करूंगा मैं सिर्फ हारमोनियम के विषय में बात कर रहा हूं इस पर जो है जैसे आप स्वर बढ़ाते जाएंगे वैसे यहां पर मीटर आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई बताएगा जबकि सच्चाई यह है कि इसका हर एक स्वर चाहे वो मंत्र सप्तक हो चाहे वो मध्य सप्तक हो चाहे वो तार सप्तक हो और इसका कोई भी स्वर हो हर एक स्वर 440 होता है 440 सौ की फ्रिक्वेंसी होती है अगर उससे कम होगा तो वो सा मिलेगा ना सा मध्यम पंचम मिलेगा ना कोड मिलेगा सबको जीरो हो जाएगा आप इंटरनेट पर खंगाल के देख लीजिए कोई भी वीडियो अभी तक मुझे भी ऐसी नहीं मिली है जिसने इस विषय पर बात की हो और मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो जल्दी से जल्दी, जल्दी आप तक पहुंचे और आप लोग इसके बारे में समझें अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये इसके बारे में आपने बताया लेकिन ये मीटर फेल क्यों बता रहे हैं देखिए मैं आपको एक दूसरा मीटर दिखाता हूँ जिससे हारमोनियम की ट्यूनिंग होती है इसको हम साइड में रखते हैं ये कॉर्क कंपनी का मीटर है और लगभग 20 साल पुराना है मुझे इस मीटर से ट्यूनिंग करते हुए 20 साल हो गए देखिए इस मीटर को मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ कैमरे में देखिए इसको हम ऑन करते हैं तो ये क्या लिखा रहा है चार सौ चालीस एच जब हम कोई भी स्वर दबाएंगे तो ये फ्रिक्वेंसी अलग बताएगा हारमोनियम का जो चून करने का ये जो एंड्रॉयड ऐप जो है लेकिन ये जो मीटर है ये फ्रिक्वेंसी उतनी ही बताएगा देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये चार सौ चालीस रुपये मीटर पे लिखा हुआ आ रहा है देखिए मैं आपको यहां रख करके दिखाता हूं अब देखिए आप ये मीटर जो मोबाइल में है वो मीटर हमारा स्वर चढ़ा हुआ बता रहा था हारमोनियम का लेकिन यह मीटर देखिए आप एकट ग्रीन लाइट जल रही है तो आप जब इस मीटर से चेक करेंगे आपको गुमराह कर देगा आप सोचेंगे हमारा हारमोनियम चढ़ा हुआ है आप कंफ्यूज रहेंगे लेकिन यह मीटर एकूरेट बताता है कोई भी स्वर देख लीजिए लेकिन फ्रिक्वेंसी इसकी 440 पे ही रहेगी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है इसलिए यह चेक करने का तरीका है और मैं आपको यह बता दूं कि हमने आपको यह हारमोनियम को चेक करना बताया है लेकिन सही अगर ट्यून आप चेक करना चाहते हैं तो आपको लेना पड़ेगा कॉर्क कंपनी का यह मीटर जो कामयाब है बाकी और भी कंपनी बना रही हैं लेकिन वो सारे फेल हैं और हमारा निवेदन है कि इसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है आप केवल मोबाइल ऐप से देखिए और अगर उससे अगर क्लियर नहीं होता है कोई हो सकता आपके पास ऐप आप हो नहीं तो दूसरी ऐप आप, आप जो है डाउनलोड कीजिए उसमें हो सकता है क्लियर हो नहीं तो फिर आप मीटर खरीदिए और अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये तो चेक करने का तरीका हो गया हारमोनियम की ट्यूनिंग जो है वो 440 ही क्यों होनी चाहिए इसका रीज़न क्या है हमारा एक चैनल है अशोक सर की क्लास उसमें हम हमने सिखाना बताया है गानों को बजाना बताया है लेकिन ये जो टेक्निकल काम है हमारा अशोक म्यूजिकल्स का ये हमारा चैनल है और इस पर जो है हमने जितनी भी वीडियो डाली है केवल हारमोनियम की क्वालिटी और क्या हारमोनियम में लगा हुआ है कौन सा रीड लगा हुआ है रीड असली है नकली है इसके बारे में तमाम सारी वीडियो हमने डाली हुई हैं लेकिन अब हम जो काम करने जा रहे हैं अपने चैनल पर ये टेक्निकल जानकारी जो हमें है हम चाहते हैं कि यूट्यूब पर पहुंचे और इसकी जानकारी से जो संगीत से जुड़े हुए जितने भी साधक हैं उनको इसका जो है इसकी जानकारी मिले और इसका लाभ उठा सकें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद